यू कैन ड्रीम इट सो यू कैन डू इट, मतलब कोटेशन कितनी है? मैं बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीपीएससी यूपीएससी की, तो आपको क्या लगता है कि आप बिहार से निकाल सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं इंटरव्यू तक गई हूँ। एससी तो एसआई का भी एग्जाम हुआ था जिसमें आपने दिया था, हुआ है आपका? मेरा रिजल्ट हो गया, मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ अभी। आपका है बच्चे, सबका अपना अलग अलग स्लॉट बना हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे खान सर के बारे में? खान सर के बारे में क्या बोल रहे सर, खान सर को तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, उनका क्योंकि आप बच्चों को अगर एक कंफर्ट जोन में कुछ ना कुछ देंगे तो यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ क्या है? फैसिलिटी यहाँ पे है कि वाईफाई दिया जा रहा है निःशुल्क उसी कॉस्ट में, आर ओ है और सबका स्पेशल जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। शानिया जी खान फॉर यू, एंड राइट नाउ आई हैव जस्ट विजिटेड हियर इन वन ऑफ द लाइब्रेरी व्हिच इज सिचुएटेड जस्ट नियर जेनिथ फोटो स्टूडियो एंड पीर मंसूर यू कैन से, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर जस्ट गोइंग टू टेक इंटरव्यू ऑफ संतोष कुमार जी। तो इस लाइब्रेरी का जो नाम है द अचीवर्स लाइब्रेरी, जिसका एक कोटेशन आप लोगों ने देखा होगा, इफ़ यू कैन ड्रीम सो यू कैन अचीव, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है द अचीवर्स लाइब्रेरी इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी बच्चे जो आएँ इसमें कुछ अचीव कर पाएँ, कुछ नया जो है सीख पाएँ, इसलिए द अचीवर्स लाइब्रेरी को रखा गया है। ये जो आप लोगों ने यहाँ पे लगभग 5-6 महीने तो हो गए होंगे? हाँ 6 महीने हो गए। रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? अच्छे रिस्पांस मिला है, इसके लिए बच्चे भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। बच्चे जो यहाँ पे आते हैं सर, किस तरीके के आते हैं, यूपीएससी या और किस किस कंपटीशन का कुछ हर सेक्टर के लोग आते हैं, जैसे इंटर का भी लोग आते हैं, कुछ बीपीएससी का लोग आते हैं, आईएएस का भी लोग प्रिपेयर करने वाले आते हैं, हर सेक्टर के लोग यहाँ पे आते हैं। जितने भी बच्चे मतलब ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव तैयारी करते हैं लोग, बच्चे यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर मोस्टली लोग। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि लाइब्रेरी तो होता है उसकी फी कभी कहीं पे फ्री रहता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। आप थोड़ा सा पैसा लीजिए लेकिन बच्चों को अगर एक कम्फर्ट जोन में कुछ ना कुछ देंगे तो यहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ क्या है? फैसिलिटी यहाँ पे है कि वाईफाई दिया जा रहा है निःशुल्क उसी कॉस्ट में, आर ओ है और सबका स्पेशल जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। वाईफाई है, आर ओ है और सबका मतलब स्पेशल कैबिन बना, हाँ कैबिन बना हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सर। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर जब बच्चे आते हैं तो क्या डिसिप्लिन में रहते हैं या? हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पे कंपलसरी है, बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है, सबका रूल बना हुआ है, उसको लोग फॉलो करते हैं, रूल को सब बच्चे फॉलो करते हाँ, हैं। हाँ हाँ। और दूसरा ये क्वेश्चन रहे सर, स्लॉटिंग क्या क्या रहता है, कोई बच्चा दिन भर रहता है क्या? दिन भर भी रहता है, उसमें स्लॉटिंग है, 4-4 घंटे का स्लॉट रहता है, जैसे सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है तो 6 से 10, 10 से 2 सेकेंड स्लॉट, थर्ड हो गया 2 से 6, उसके बाद 6 से 10 लास्ट स्लॉट हो गया। मतलब सुबह 6 कोई एक स्लॉट भी लेते हैं, कोई 2 स्लॉट भी लेते हैं, अपने अनुसार देखते हैं कि किस बेहतर हो। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बच्चे यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो आपको इन 5 महीनों में क्या चेंज नज़र आया सर बच्चों में? बहुत सा चेंज तो बच्चे लोग ही बताएंगे। अच्छे बच्चे लोग बताएंगे, ठीक है सर, मैं बच्चों से भी पूछूंगा और दो चार सवाल और बचे हुए हैं हमारे आपके लिए भी। अगर कोई बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहे, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इस लाइब्रेरी के बारे में, तो उनको कैसे बताना चाहेंगे कहाँ पे प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि मैं जहाँ तक बोल पाया शायद प्रॉपर नहीं हो, तो आप एक प्रॉपर एड्रेस 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक तो जेनिथ स्टूडियो के जो बगल में उत्तर साइड में गली आई है, उस गली में MI सर्विस सेंटर के सामने सेकंड फ्लोर पर शीशा वाले बिल्डिंग में। अच्छा। सेकंड एड्रेस इसका जाता है कि बड़ा पोस्ट ऑफिस के सामने वाला गली में जो है, उस गली में भी इसका एड्रेस चला जाता है, प्रॉपर एड्रेस यही है, सरजू संजय कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में। मतलब इस एरिया में आपको खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कारण है कि आस पास में लाइब्रेरी है नहीं। अच्छा। समझे ना, यहाँ पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम लोग डिसाइड किए खोलने का। पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, लाइब्रेरी नहीं थी, यानी कि पढ़ाई की आपने प्रॉब्लम्स को ढूंढा कि प्रॉब्लम्स ये है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन लाइब्रेरी पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं है ना। चलिए सर, इसमें हमारे पार्टनर भी हुए। अच्छा। तेज टावर अपार्टमेंट के ऑनर विकास कुमार शाह, वो आपके पार्टनर हुए, यहाँ के फाउंडर, मतलब फाउंडर वो हुए और डायरेक्टर आप। यस यस, संतोष कुमार। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
कुछ बच्चों से भी मैं पूछूंगा. सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू हियर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पर्सनालिटी ऑफ बिहार. सो टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून गाइज. लाइब्रेरी में आकर कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे किस तरह से चलती है और कौन सी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं. आपका नाम क्या हुआ? कुमारी शुभानु. आप किस चीज़ की तैयारी करती हैं? मैं बीपीएससी यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ. बीपीएससी यूपीएससी. तो आपको क्या लगता है कि आप बिहार से निकाल सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं इंटरव्यू तक गई हूँ लेकिन मैं कुछ मार्क्स से रह गई हूँ. मार्क्स से? तो आपने कहीं और तैयारी भी किया है या कुछ? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी है. सिर्फ सेल्फ स्टडी जी. तो बाकी सब जो बच्चे देख रहे हैं उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो अगर आपको जिस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है उसके सिलेबस को आपको थ्रू आउट पहले रीड करना होगा और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए बुक्स जो होता है, फिर एक माहौल होना चाहिए. अगर आपको घर में मिल रहा है देन ओके, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं. नहीं तो आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं. नहीं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन, जैसे कि मैं इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन की, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, घर में करती हूँ और फिर लाइब्रेरी में मैं आती हूँ 4-5 घंटे. जैसे टेस्ट सीरीज हो गया या फिर प्रैक्टिस सेट हो गया तो उसके लिए बिल्कुल शांत माहौल चाहिए. तो बेटर होता है कि मैं लाइब्रेरी आकर 4-5 घंटे 6 घंटे यहाँ पे बैठ कर पढ़ाई करती हूँ. अभी एक दौर थोड़ा सा बदला है बच्चों का कि कॉपी किताब से हट करके मोबाइल की तरफ गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन स्टडी तो अभी बेटर है क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं पैंडेमिक के कारण. तो बेटर होता है कि हम ऑनलाइन स्टडी करें और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके लाइब्रेरी में आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप अपना कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं. तो मोबाइल एक अच्छा माध्यम है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं. सही, जैसा कि आपने बताया, मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि यहाँ पे दिखाएं इनकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है. टैब भी है, मोबाइल भी है, मतलब आप अगर सही यूज़ करना चाहो किसी चीज़ का तो कर सकते हो. मैं दूसरे बच्चे से मिलने की कोशिश करता हूँ जो कि सिर्फ किताब, कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ किताबों पर ही कंसंट्रेट रहते हैं. जैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी सुजाता सिन्हा है. अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बिहार एसआई बीपीएससी. बिहार एसआई बीपीएससी. तो एसआई का अभी एग्जाम हुआ था जिसमें आपने दिया था, वह आप कर? मेरा रिजल्ट हो गया, मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ अभी. चलिए, बहुत अच्छा कि आपका रिजल्ट हुआ, पहले शुभकामनाएं मैं दे दूँ. और किस तरह का यहाँ पे आप महसूस कर रही हैं? कितने घंटे का आपका स्लॉट चलता है? मेरा तो 10 से 2, 2.5, 3 भी चल जाता है. अच्छा, मतलब डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति. तो इस लाइब्रेरी के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या, मतलब घर में नहीं मिल पा रहा कि यहाँ आने की ज़रूरत पड़ रही है? घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग तो मतलब स्टूडेंट है तो रूम लेकर रहते हैं यहाँ पे. कभी कभी मन किया तो नींद भी आ जाता है यहाँ पे, होता है एक दूसरा का मतलब देखने के टाइम में भी, चलो वो पढ़ रहा है अगला भी पढ़ रहा है, हम लोग भी आराम से यहाँ पे सेट वेट या फिर कुछ बनाते बनाते इजी वे में हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर लेते हैं. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आपका दरोगा में हो, एसआई में हो, जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 बच्चे और हैं. एक और बच्ची से मैं जानने की कोशिश करूँगा जो कि अभी शायद आई है. क्या नाम है आपका? मेघाराज. बैठ जाओ. मेघाराज, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? SSC CGL. कैसा मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट है, आपको क्या लगता है? अच्छा है यहाँ, मतलब पीसफुल है, कंफर्टेबल है, एक स्टडी करने वाला माहौल रहता है तो अच्छा लगता है पढ़ाई करने में. चलिए सही, जैसा कि आप लोगों ने देखा. और मैं चलता हूँ थोड़ा सा, मैं पूरा कैबिन दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा कैबिन आपका है. बच्चे सबका अपना अलग अलग स्लॉट बना हुआ है. और इधर मैं आने की कोशिश करूँगा फिर से. काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट लग रहा है. जिस स्लॉट के बच्चे अभी नहीं आए हैं तो आप देख सकते हैं कि चेयर खाली पड़ी है और इस स्लॉट के भी बच्चे आएंगे. जब तक कुछ बच्चे हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा. सॉरी, क्या नाम है आपका? निराला. क्या आप तैयारी करते हैं? हम अभी सीजीएल का कर रहे हैं. सीजीएल का कर रहे हैं जी. अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. क्या कमी रह जाती है जहाँ पे आप रहते हैं? लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लाइब्रेरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक तो एनवायरनमेंट मिलती है, आप यहाँ आकर आराम से बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको प्रॉपर स्लॉट मिलती है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. अगर आप ये काम और भी प्लेस पे कर सकते हैं, मगर वहाँ होगी कि किसी न किसी कारण आपको कभी किसी का फोन या अदर साउंडेड आपको सुनाई देगी, मगर यहाँ ऐसा कोई
मतलब सभी बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। वेल डिसिप्लिन। शुक्रिया सर। और यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, इधर भी स्लॉट बने हुए हैं बच्चों के, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑलरेडी पढ़ाई में काफ़ी मग्न हैं आप देख सकते हैं। फिर ये सब भी बच्चे मग्न हैं। यहाँ से एक बच्चे को मैं उठाना चाहूँगा जो मोबाइल में थोड़ा सा व्यस्त हैं। हाँ जी सर, आपसे तो क्वेश्चन बनता है, क्या बोलना चाहेंगे खान सर के बारे में? खान सर के बारे में क्या बोल रहे सर, खान सर को तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, उनका क्योंकि आप खान सर की वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो क्या सीखते हैं उनसे? उनसे सीखते हैं इनका मतलब समझाने का स्टाइल है जो थोड़ा गांव से रिलेटेड होता है, जिसे आसानी भाषा में लोग समझ जाते हैं। अच्छा, यही है खान सर की खासियत। और क्या मैं चाहूँगा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाइब्रेरी में आपको क्या दिखता है जो और बाकी जगह से अलग है? लाइब्रेरी में यहाँ कि जैसे टाइम का शेड्यूल भी अच्छा है और जो लाइब्रेरी वाले हैं वो अच्छा दोस्त भी हैं और यहाँ शांति बहुत अच्छा है। अच्छा, शांति में पीसफुल पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। किसी को दूसरे से इतना मतलब नहीं है, इंटरफेयर नहीं है? नहीं नहीं नहीं। चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी फिल्टर भी लगा हुआ है, काफ़ी मतलब सैनिटेशन का भी ख्याल रखा गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं किसी और बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करने की कोशिश करूंगा, सभी अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं। सो जैसा कि आप देख रहे थे, मैं चाहूंगा कैमरामैन को कि उधर से फिर से दिखा दे, द अचीवर्स लाइब्रेरी, इफ़ यू कैन ड्रीम इट सो यू कैन डू इट, मतलब कोटेशन इट्स सेल्फ टेलिंग यू अ लॉट। So if you can dream something to achieve in your life, so if you have some goals, if you have some aims, so definitely you can just go for that. And for that, this library is just giving you one of the environment that what it requires, right? So I would like to recommend each and everyone, if you want to just come here, so you can and just take admission and just take one slot at least for 1 or 2 months. Then after you will see the difference in yourself. So that's it, I think so, and we will meet in next video. So thank you so much for watching this video, and please subscribe my channel.